हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप लोगों ने थंबनेल टाइटल से समझ ही लिया होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज स्पेशल क्या है। आज स्पेशल ये है कि मैं आज करने वाला हूं अपने बुलेट रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 BS6 वर्जन की टॉप स्पीड। तो इसकी टॉप स्पीड हम लोग चेक करेंगे। थोड़ा रिस्की है, मैं आ चुका हूँ इस वक्त अपने दरभंगा NH पे, NH 57 पे। देख सकते हैं यहाँ से पटना 157 किलोमीटर और दरभंगा 17 किलोमीटर है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आज की जो टेस्टिंग है, रियल टॉप स्पीड इसकी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोगों का मानना है कि काफ़ी महंगी गाड़ी है और बुलेट की बात ही अलग होती है, ये भागती बहुत ज़्यादा होगी। तो आज मैं उन लोगों की सोच को दिखा देता हूं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं चल रहा हूं 70 पे, मैं आ चुका हूं 85 पे और अब 90, थोड़ा सा और। अभी भी जो है फुल एक्सलेटर मैंने नहीं दिया है, फुल एक्सलेटर देने में अभी भी थोड़ा सा बाकी है। और 100 पे आ चुका हूं मैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ट्रायल कर पाऊंगा। जिस तरह से गाड़ियां हैं सामने, हो सकता है मुझे लेना पड़े ब्रेक। ओह 110, लेकिन लेना पड़ेगा ब्रेक थोड़ा सा। तो मैं आ चुका हूँ 110 पे फिलहाल और अब मैंने दे दिया इसकी फुल एक्सलेटर। तो फुल एक्सलेटर में अभी ये फिलहाल चल रही है 110 पे, देखते हैं 115 पे आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग 118 है। इससे पहले मैं इस गाड़ी को चूंकि 120 121 तक भगा चुका हूं, बट अभी ये 118 से ऊपर नहीं जा रही है। उसकी रीज़न मुझे लग रहा है कि ये होगा कि मेरे पीछे जो है एक पेलियन बैठा हुआ है, तो हो सकता है उसकी वजह से गाड़ी जो है नहीं भाग रही होगी। मेरा एक फ्रेंड है जो पीछे बैठा हुआ है, तो कहीं पे रुक कर उस भाई को उतारते हैं गाड़ी पर से और उसके बाद अकेले बैठ के इस गाड़ी का टॉप स्पीड चेक करते हैं। तो भाई मैंने उतार दिया है फिलहाल अपने फ्रेंड को यहीं पे दयाल ढाबा के पास और अब यहां से मैं टेस्ट लेने वाला हूं अपने बुलेट की टॉप स्पीड का। तो एक बंदे को बैठा के आपने देखा कि 118 से ऊपर गाड़ी नहीं गई, तो अब अकेले में देखते हैं कि ये गाड़ी कहां तक जाती है। तो स्टार्ट कर चुके हैं हम और मैंने दे दिया है एक्सलेटर फुल, बट हर जगह पता नहीं कि वह संडे है यार, इतना जाम नॉर्मली संडे को नहीं रहता है, बट आज मुझे हर जगह पे जाम मिल रहा है। तो फिर से एक बार 118। तो इसकी टॉप स्पीड मुझे कहना पड़ेगा कि 118 और 119, 120 खाली रोड मिलने के बाद इसने टच कर दिया, ब्रेक का जरूरत नहीं पड़ा और 120 मैं जगह को क्रॉस कर रहा हूँ, यहीं पे फ्रेंड रुके हुए हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं टॉप स्पीड इसकी चेक करूँ। तो 120 आप देख सकते हैं यहाँ 120 इसकी टॉप स्पीड रही, जो कि मैं बार बार कह रहा था कि मैं इससे पहले घींच चुका हूँ 120 इस गाड़ी को, क्लासिक 350 को। तो चलिए अब कहीं पर ब्रेक लेके गाड़ी को टर्न ले लेते हैं क्योंकि मैं आ चुका हूँ काफ़ी आगे। तो देख रहे लगातार 120 जो है मेंटेन किया हुआ है, तो यहीं से गाड़ी को रोक लेते हैं और यहां से ले लेते हैं टर्न। तो 120 जो है इसकी टॉप स्पीड आई है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि 120 से ऊपर ये गाड़ी नहीं गई, बुलेट की टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर आई है, तो ये इसकी टॉप स्पीड थी। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।